बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज ऐसे बुज़ुर्ग से हम मुलाकात कर रहे हैं जिनकी उम्र 100 साल है। अब आपको सुन के भी हैरानगी हो रही होगी, 100 साल उम्र है। और पिछले जो है रमज़ान के पहली यकम में ये यहाँ एतकाफ़ बैठे हैं, माशाल्लाह पूरा एक माह का एतकाफ़ कर रहे हैं। और इनसे हम बातचीत करते हैं, खैर औफियत भी पूछेंगे इंशाल्लाह। और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त इनकी उम्र क्या थी और इन्होंने क्या देखा यहाँ पर। अभी हम पंजाब के इलाके विहाड़ी के करीब नूरशाह का इलाका है, जो हमारा आबाई इलाका या देहात कह सकते हैं वो है। ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि कम बेश 4 से 5 साल पहले हमने इसको अल्लाह की तौफीक और नुसरत से जो है वो तामीर करवाया था, साथ में मदरसा भी तामीर हो रहा है। तो चलें जी आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं माशाल्लाह, शुक्र। भाई साहब आपकी कितनी उम्र है? तो अब आपकी उम्र कितनी है? 100 साल के ऊपर हो गई? हाँ, मतलब 100 साल के हैं। अच्छा, तो ये है कि आपके आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई है तो मर गई है, मैं हम 8, 9, 11, 12 साल। अच्छा माशाल्लाह, तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्ची 4 है। 4 हैं वो सारे? मौई हुई है, 3 है। 3 है, तो अच्छा, तो उनके बच्चे भी होंगे माशाल्लाह। हाँ, एक दे दो दे एक दे को। अच्छा, तो यहाँ ये मस्जिद जो है ये आप दूर से आते हैं, आप कैसे? शो वाले खूब दे नतर देते आया अज्जू जेड़ा बैठा अज्जू कटे हाल जानना नहीं लो ओ इथा पीर मदत अली शाह जी तो मैंने लई बहुत। अच्छा अच्छा, ओ इथाई बैठा है। अच्छा, जी मेरी इथाई है। अच्छा, सारे मैं जान दे मैं जान दे। अच्छा अच्छा, हां तो तू तो मेरी मुलाकात होन पे लगदा। सही सही, करण आवे तो बादशाह हुआ लेते आ। अच्छा, उठे मस्जिद सारी काबे च बनी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ते तारी 100 साल उम्र है माशाल्लाह, ते तनु हज दी सादत भी मिली है? हज दी त्राए मरे ते एक वड्डी हज पड़ी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये है कि आप माशाल्लाह इतने फिट और सेहतमंद है। हमारी उम्र 30-30 साल है, हम तो बाबा आदम अली सलाम के जमाने के लगते हैं, बूढ़े लगते हैं। तो आप ये क्या वजह है? मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं तो जान लो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में। अच्छा, वो उसकी कहानी तो जरा सुनाएं। हां, किरार और भाजड़ पई है। जी जी, ओ गए तो डूबे बात आ गए। अच्छा, ओसले बारिश आई दी है जी। अच्छा, गोटे गोटे बारिश ओसले। तो जब ये पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बना मैं सारा जान रहा। हाँ, तो उन्होंने ना पहुंच। अच्छा, ये पाकिस्तान जब बना था तो जाहिर है यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू भी साथ रहते थे हमारे? हाँ, साथ भाईवाल आ ढूंढा दिया साथ दिया किराड़ा दिया शिक्षा वाले को। अच्छा, तो फिर आज ढूंढा दिया साथ दिया जब वो यहाँ से इस नूरशाह के इलाके से चले गए, तो फिर ये कि उनकी जमीनी कहाँ गई? जमीन लाई आई जड़े उत्तो आए बारिश सब किराड़ मम्मद शाह वटले होया। अच्छा, सारे सब मम्मद शाह वटले वाजपेयी इत्थे इत्थे सारे वटले हो। अच्छा, वाजपेयी ने बजट के बीच ढाल दे गए नारे ते के लिया कठे और मर सन। अच्छा, हां इत वाला के मुलाक वलोट लाई। अच्छा, तो बाकी जेड़े बात पाए गए वा जेड़े बड़े बड़े बैठियां जिम्मेदार मेरे नाल ही ना दे कठे करो उन नु दिशा। ओ जेड़ियां दे जोगान गायां मच्छियां भटले होंदे गए वाजे इकट्ठे होंदे गए वाजे चक के ए बात कठे इनानु दिते गए बाजरा ओसले वसाली खावे ओसले रोटी खाई। अच्छा, ओसले तो वात हां वसाल खावे भूखा खावे। और ता ओ अगला नु खावाई जमीन अच्छे चंगे रख दिया महाजरा को। तो यहाँ अभी महाजर हैं जो पाकिस्तान इंडिया से आए थे? हाँ, तो महाजर हाल ना दिखे। अच्छा, ए महाजर बैठे हाल ये उनका नाम ही महाजर है। हाँ, और सारे महाजर इतने नहीं है, ये सारे नाल आने।
करीम हैदर शाह, ये सैयद मदत अली शाह, ये असल में हमारे बड़े सैयद घराने के ताल्लुक रखते थे, ये उनकी बता रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो है 100 साल है, तो इसलिए ये अब वो पुरानी बातें बता रहे हैं। जान दें सारे जान शाह सारे मन जान। अच्छा हाँ शाह मन सदाया सदुक से ऐसा कर नहीं आ मेरे कॉल हो मैं वाली ना रवक्का में जेड़े इतने बैठे मेरे धी तो जो मैं कभी तू साना वाह काफ लेते हैं बिल्कुल ना वाह आपको वह सानो एक्शन भाई मैं कर नहीं कोई नहीं आता शाह कब मैं तो तेरे ना आता भाई और राती मैं के दिए दे निशाने न बज ये तो राती खाने में नहीं चाहते जाना खाने का इतना आया है मारका अखिल ना भाई नाल इसको क्यों नहीं देते वो आखे आखिल हो जाए रात की उड़ी इन्हें तो कोई पता नहीं रात की मैंने क्या बात माशाल्लाह। तो ये है कि फिर आप वहाँ से अपने इलाके से आते हैं यहाँ पैदल आते हैं बाइक पे आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं पैदल पैदल। अच्छा कितने किलोमीटर है ये? बनाई बैठे वो 69 चाके जो खाद बड़ा बेटा खाद हां खाद हां वो ये कर रहे हैं। नाज़रीन अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं 100 साल के ये 18 से 20 या 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। हाँ तो मतलब मेरे जैसा आदमी अभी जो है बिहाड़ी था मैं थोड़ा 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के गया हूं मुझे सांस आने लगे रोजा लगने लग गया प्यास लगने लगी ये आप लाल चा ओ क्या बात है अल्लाह अल्लाह ते राजी अल्लाह करे मनी पवे। सवाल तू तो पढ़ो है सवाल तो त्राय पूछ लेना उनके लगे मन रब होता मन देने का मन नबी होगा क्या इन्हें पूछ ला बिल्कुल क्या कह दू तेरा हूं ला चेता मैं उन्होंने नाम वाला मन चेता ला मैं और पूछदा हूं भाई भाई हूं कितनी रकाती है ना तहज्जुदी मारा है ना हां बात जरा होवे सही तो बात सुना दे कितनी है ते जाओ मशहूर है तू तो हूँ मेरा वाक्य होगा पे इन ना पहले सलाह का मारी इतने बात है खाना तो आप खाने में क्या आप खुराक लेते हैं खाने में खुराक क्या है आपकी खुराक मेरी गरी तो बिदाम ओए क्या बात है इतनी महंगी खुराक हम तो भाई सिंगते हैं बस वो वापस कर देते हैं ना ए होल होल आराम हो ये मेरी खुराक दे अच्छा मैं जलेन दिया मां पियो मां गाठी को अच्छा मेरे पियो दन आता हम होला अच्छा मेरे दादा का नाम उमर बादशाह अच्छा आज जरा उमर वाला वजह है हां भाई मेरी खुराक हो तो अभी आप खाने में क्या खाते हैं कितना टाइम खाना खाते हैं 2 टाइम 3 टाइम मैं हो तो एक एक फुलका खाऊंगा अच्छा बादशाह ने ने अंदर ही है एक को फुलका दही नाल दे दे दही नाल बहुत मैं कोई नहीं घाट इधर आओ वे कब्ज हो बादशाह दवाई दीते मैंने खैर काप तो माशाल्लाह ये हमारे भाई साहब हैं 100 साल इनकी उम्र है और इनसे मैंने कहा था कि आपसे इंटरव्यू करेंगे अपने नाज़रीन को ये जरा सराइकी में बात कर रहे हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी और ये महाजरीन की इन्होंने बातें सुनाई यहाँ महाजरीन आए थे अच्छा अच्छा रकबा जो है उनको दे दिया था हमारा जो रकबा था वो ज़रा कमज़ोर था वो हमें मिला और इनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह ये 18 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और ये कह रहे हैं बादाम और इसी तरह से एक और चीज़ बता रहे हैं वो गरी बादाम और गरी इनकी खुराक थी। हाँ तो माशाल्लाह ये अलग ये देखे माशाल्लाह इतने बुजुर्ग इतनी बड़ी उम्र है अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत दे
अच्छा ये 20 तरावी नाज़रीन खड़े होके पढ़ते हैं माशाल्लाह, क्या बात है। मैं करनी चाहो आप पीछा लुक दे और थोड़ी मंगो ये आता मोहम्मद शाहजरत बुहर अली शाह तकरीर करे अकोने उसने बुलाए आके एक गाल पूछे मैं कहा मैं पहुंच लेना जी ले ले उस मैं कहा जनाब तेरे नाल गाल ले मेरी मैं हाँ आन पड़ा अच्छा और सा कहा हाँ कर कदी मैं कहा लोट न लगे आता वली हो जा तो लोटा माल बेटा छाती मारे और सा कहा बेशक बेशक ऐसा कहा लोटा माल ना रे मंजल वड़ी औखी है ओ तो सतोन आखा ना ओ मंजल वड़ी औखी है लाइए तो आई लाइए ना हाँ आई तो होती थी ना हाँ बात देख रहा मैं और तू मैंने हजार इंच गाल करा माशाल्लाह तो ये चराक्षा सारे मैं जान रहा हूँ।